Oh. <coughs> <coughs> हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशन द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया दोपहर के एक बज चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ तो कौन कौन लाइव आ चुका है फटाफट मुझे रिस्पॉन्ड करें जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें जय हिंद ऑफिसर्स आ जाओ भाई सब लोग फटाफट इमरान चौधरी हर्ष दीक्षित दिलीप कुमार श्वेता सागर मंजू गुप्ता जितेंद्र सिंह ईशा गीता सिंह इमरान सभी का बहुत बहुत स्वागत है भैया आपके अपने यूट्यूब चैनल अब देखो बच्चों अब देखो यहां पर आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं हफ्ते में आपके लिए दो सेशन लूंगा हफ्ते में दो सेशन होंगे आपके एफकेट और आइनेट के एफकेट और आईनेट के हफ्ते में मेरे दो सेशन होने वाले हैं याद रखिएगा हमने आपके लिए शुरू किया है सिक्सटी डे स्टडी प्लान टू क्रैक एफ कैट टू उजेंड ट्वेंटी भाई देखो एफकेट और आईनेट का नोटिफिकेशन अभी डेट के अनुसार एक जून को आना है आज एक जून हो गई है तो आज नहीं तो दो चार दिन में आ ही जाएगा और इसका पेपर जो है मैं आपको बता दूं कि अगस्त के लास्ट वीक अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक में होगा सो so, अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक में एफ आईनेट का सेशन आपका एग्जाम होगा मैं आपके लिए हफ्ते में दो सेशन लूंगा मंडे और वेडनेसडे सॉरी मैंने बारह बजे लिख दिया है दोपहर को एक बजे दोपहर को एक बजे मैं आपके लिए दो सेशन लिया करूंगा याद रखिएगा सब कुछ बताऊंगा टेंशन ना लीजिएगा ठीक है तो नहीं बताइए सीडीएस के लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है सीडीएस और एफ क्या का बिल्कुल ही लेवल अलग है तो हम आपको यहां पर मॉक टेस्ट कराएंगे आज हमारा है बच्चों मॉक टेस्ट नंबर वन तो मैं यहां पर आपको टोटल मॉक टेस्ट कराऊंगा और हर मॉक टेस्ट में हम आपके लिए थर्टी क्वेश्चन लेकर के आए हैं तो हर मॉक टेस्ट में आपके लिए तीस क्वेश्चन होंगे आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर वन होगा याद रखिएगा सो तो इससे क्या होगा कि आपको यहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी याद रखिएगा ठीक है बहुत बढ़िया हम्म आ, अब बात आगे बढ़ती है अब देखो बेटा हमने आपके लिए दो चीजें स्टार्ट कर रखी हैं एक तो है हंड्रेड डे स्ट्रेटेजी प्लान टू क्रैक यूपीएससी सीडीएस एफ कैट टू थाउजेंड ट्वेंटी तो हंड्रेड डेज की स्ट्रेटेजी चल रही है हंड्रेड डेज का स्टडी प्लान चल रहा है जो लोग यूपीएससी सीडीएस और सी निकालना चाहते हैं ये देखिए भाई साहब सुबह नौ बजे से लेकर रात दस बजे से तक दिन भर क्लासेस हैं आपके लिए रात सुबह नौ बजे से लेकर रात दस बजे तक हंड्रेड डे स्ट्रेटेजी प्लान टू क्रैक यूपीएससी सी डी एस सी ए टू थाउजेंड ट्वेंटी और अगर आप लोग एफ कैट और आईनेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिक्सटी डे स्ट्रैटेजी प्लान टू क्रैक यूपीएससी टू क्रैक द एफ कैट आईनेट ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है अब इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से है कि मंडे और वेडनेसडे को सुबह दस बजे आपके विक्रांत सर आएंगे मंडे और वेडनेसडे को दोपहर को एक बजे मैं आऊंगा ठीक है ट्यूसडे और थर्सडे को दोपहर एक बजे अमित सिसोदिया सर आएंगे आ, मंडे और वेडनेसडे को दोपहर को दो बजे रणधीर सर हैं सैटरडे संडे रात नौ बजे आपके मोहित कवात्रा सर हैं और आपका मंडे और फ्राइडे सुबह रात दस बजे एसएसबी के लिए संजय कुमार शर्मा सर हैं सो हमने पूरी भैया आपके लिए चीजें बना रखी हैं अब बच्चे कहते हैं कि सर एक बात बताइए कि आपके YouTube सेशन में और आपके प्लस में दोनों में क्या फर्क है भाई YouTube में और प्लस में क्या फर्क है देखो बेटा YouTube सेशन बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जो पहले से पढ़ाई करते आ रहे हैं और अगर उन्हें अपने मार्क्स बढ़ाने हैं तो मार्क्स बढ़ाने में यूट्यूब सेशन काम आता है समझ रहे हैं तो यूट्यूब सेशन जो है बेटा याद रखिएगा वो आपके मार्क्स बढ़ाने में काम आता है लेकिन plus आपके एग्जाम को क्रैक करने में काम आएगा याद रखिएगा सो अन अकेडमी आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए आएगा ठीक <coughs> है याद रखिएगा यहां पर बेटा आपको कोई डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं मिलता है यहां पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं यूट्यूब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है जबकि अन अकेडमी प्लस प्रैक्टिस और कंसेप्चुअल क्लैरिटी दोनों के लिए है यहां पर बेटा आपका कोई असेसमेंट नहीं हो पाता है आपको समझ ही नहीं पाते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है क्या है क्या नहीं है लेकिन यहां पर बेटा आपको असेसमेंट करने का मौका मिलता है यहां पर कोई पोल्स नहीं होते हैं यहां पर पोल्स के थ्रू आप कर सकते हैं तो आपको मालूम चलता है कि आपकी रैंक कैसी है ठीक है तो आपकी रैंक क्या आई है ये लीडर बोर्ड भी आपको मालूम चल जाता है आपके अन प्लस पर ठीक है बेटा अनलिमिटेड so, प्रैक्टिस मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं डेडिकेटेड डाउट सेशन मिलते हैं इसके लिए आपको क्या करना है अन अकेडमी लर्निंग एप को डाउनलोड करना है याद रखिएगा बच्चों कि ये जो है आपके लिए बेस्ट ऐप है जो लोग भारत में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वैसे मैं आपको बता दूं कि अन अकेडमी तीस से ज्यादा कैटेगरीज में सर्विसेज प्रोवाइड करता है आप हमारे साथ किसी भी कैटेगरी में जुड़ सकते हैं याद रखिएगा ठीक है बच्चों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक महीने का तीन महीने का छह महीने का बारह महीने चौबीस महीने वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों कि सबसे अच्छे सब्सक्रिप्शन 12 और 24 महीने के हैं याद रखिएगा 12 और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन सबसे अच्छे हैं 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका आठ हजार का है मेरा कोड इस्तेमाल करो क्यू ए लाइव ये तुम्हें जो है सात हजार दो सौ में मिलेगा चौबीस महीने का सब्सक्रिप्शन आपका नौ हजार छह सौ में है लेकिन मेरे कोड के साथ आठ हजार सौ चालीस में मिलेगा अब तुम्हें लगता है कि तुम एक बार में ही पेपर निकाल सकते हो तो भैया तुम छह महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो पांच हजार सात सौ साठ रुपए में लेकिन मेरा कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्यू ए लाइव तब आपको यह मिलेगा ठीक है ओके, ओके ओके बहुत अच्छा बहुत बढ़िया साकेत सिंह बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका अब प्रश्न ये आता है कि एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन क्यों बेस्ट है क्योंकि आपको मालूम है कि नेक्स्ट एट मंथ्स अगले आठ महीनों में अगले आठ महीनों में अगर हम बात करें नेक्स्ट एट मंथ्स तो सेवन पेपर्स होंगे याद रखिएगा सात पेपर हैं अगले आठ महीनों में आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए सो एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगले आठ महीने में सात पेपर्स हैं याद रखिएगा बच्चों सात पेपर्स तो आपके पास बहुत गोल्डन चांस है अब हर पेपर के लिए अलग बैच तो खरीदोगे नहीं एक बार एक बैच खरीद लिया एक साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया बाद में जितने भी बैचेस होते रहेंगे पढ़ते रहोगे कोई समस्या नहीं है ठीक है सो अगले आठ महीने में सात पेपर होने हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए सबसे अच्छा है तो आपको अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि कोर्सेज अगर आप देख सकते हैं सी और सी के सो आप देख सकते हैं जनरल स्टडीज का मेरा कोर्स आठ जून से शुरू हो रहा है दस जून से इंग्लिश का कोर्स शुरू हो रहा है डॉक्टर अमित सिसोदिया का साइंस का 11 जून से नीतू ढाका मैम का मैथ्स 10 जून से आपका रणधीर सिंह सर का रीजनिंग 15 जून से आपका मोहित कवात्रा सर का अगर बेटा तुम एफ कैट और आईनेट की तैयारी कर रहे हो तो यह देख लो एस्पायर एफ कैट टू आईनेट टू सिक्सटी डेज का मास्टर कोर्स हमारा शुरू हो रहा है अनकेडमी प्लस पर पंद्रह जून से अट्ठारह अगस्त ये साठ दिन का भैया मास्टर कोर्स है शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन बैच है ये आपका अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो इस बैच में आप आ सकते हैं इसमें जीके जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स जो है रणधीर सर हैं रीजनिंग मोहित सर हैं इंग्लिश में डॉक्टर अमित सिसोदिया हैं और साइंस में विक्रांत पुंडीर सर यहां पर पढ़ाने वाले हैं ठीक है बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच सभी का बहुत बढ़िया ठीक है बच्चों मेरा क्वेश्चन है आपका यह देखिएगा पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू अटैक इंडिया पहला यूरोपियन जो कि भारत पर जिसने अटैक किया था कौन था कोलंबस है कैप्टन हॉकिंस है एलेक्सेंडर है या फ्रेंकिसको द अल्मेडा है पहला यूरोपियन टू अटैक इंडिया भारत पर अटैक करने वाला पहला यूरोपियन कौन था बेटा यहां पर मैंने पूछा है कि पहला यूरोपियन जिसने भारत पर अटैक किया था कौन था जल्दी बताइएगा बहुत आसान है हम सबको मालूम होगा सो फर्स्ट यूरोपियन जिसने भारत पर अटैक किया था वो था आपका अलेग्जेंडर द ग्रेट आपको मालूम है कि अलेग्जेंडर द ग्रेट 326 हंड्रेड में भारत पर अटैक किया था याद रखिएगा और ये जो है बेटा मैसीडोनिया से आया था ईस्टर्न यूरोप से आया था तो पहला यूरोपियन जो है जिसने भारत पर अटैक किया था वो था आपका अलेग्जेंडर द ग्रेट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैसीडोनिया से आया था क्वेश्चन नंबर टू हु द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के पहले पीएम कौन थे लियाकत अली खान बेनज़ीर भुट्टो मोहम्मद अली जिन्ना या कमर शरीफ जल्दी बताइएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पाकिस्तान आपको मालूम है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो था वो आज़ाद हो गया था सो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और पहले प्राइम मिनिस्टर बने श्री जवाहरलाल नेहरू जबकि पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को और पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने मुझे मालूम है कि ज़्यादातर लोग गलत जवाब देंगे बेटा मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना थे बेटा गांधी जी क्या कभी पीएम बने थे गांधी जी तो एक तरह से फादर ऑफ नेशन थे वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना भी पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन थे वो कभी पी नहीं बने पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे श्री लियाकत अली खान So, लियाकत अली खान जो है पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे गलत मत करो बच्चों हाँ जी मुझे मालूम था गलत करेंगे इसीलिए जानबूझकर मोहम्मद अली जिन्ना डाला था मोहम्मद अली जिन्ना तो बेटा जो है कायदे आजम थे फादर ऑफ पाकिस्तान थे लियाकत अली खान को कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान याद रखेगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर ए है लियाकत अली खान क्वेश्चन नंबर तीन हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस देखो बेटा मैंने क्या कहा है ध्यान से देखना वॉक इन स्पेस स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे यूरी गार्गरिन है नील आमस्ट्रॉन्ग हैं एलेक्सी लेनोव है या राकेश शर्मा है तो जल्दी बताइएगा बहुत बढ़िया तो पहले व्यक्ति जिन्होंने स्पेस में वॉक किया था भई हमें मालूम है कि आप इसका भी क्वेश्चन का ज़्यादातर लोग गलत जवाब देने वाले हैं कि पहला इंसान जिसने स्पेस वॉक किया था बेटा बिल्कुल गलत है यूरी गार्गेरिन साहब तो फर्स्ट पर्सन थे जो स्पेस में गए थे उन्होंने स्पेस वॉक नहीं किया था याद रखिएगा राइट आंसर सी है रशिया के एलेक्सी लनाओव ये पहले एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने स्पेस वॉक किया था आपके यूरी गार्गेरिन स्पेस में गए थे बट ही डेंट हैव एन स्पेस वॉक याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर चार हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट बहुत ही फेमस है आपने सुना होगा हीराकुंड डैम के बारे में एक समय ऐसा था जब हमारे भारत की शान हुआ करता था हीराकुंड डैम और हमारे देश में जब कोई विदेशी मेहमान आते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें लेकर जाते थे हीराकुंड डैम को दिखाने हीराकुंड डैम आपको मालूम है कि महानदी पर स्थित है बहुत ही फेमस और इसकी लंबाई जो है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड वन मीटर्स है काफी लंबी है मतलब फोर पॉइंट एट किलोमीटर्स का डैम है महानदी पर याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर डी है महानदी इन उड़ीसा बहुत बढ़िया हर्ष दीक्षित भाई फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए तुषार मोहंती बहुत बढ़िया पूजा वेरी गुड राइट आंसर इज डी हुज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट मुझे मालूम है कि इसका भी गलत जवाब आप देने वाले हैं क्योंकि लोग जो हैं मुझे ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन ही कैट में आते हैं <coughs> कि पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था ठीक है यस बिल्कुल <laughs> बिल्कुल बेटा मिस्टर आर के एफ कैट और आईनेट वो मल्टीपल टॉप वाले क्वेश्चन नहीं बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं ए बी सी डी वाले ठीक है सो पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था बचेंद्री प्लाल हैं जुमको टेबी हैं के जूका हैं, एंजेलिना गेटोफ हैं। जल्दी बताइए फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट बहुत बढ़िया है सो पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था वो थी मिसेस जुंको टैबी जो कि जापान से हैं। हालांकि अगर पहली भारतीय की बात करें सो पहली भारतीय बचेंद्री पाल जी थी जिन्होंने बेटा उसे क्लाइंब किया था क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर भी है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जल्दी बताइए यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएन जनरल असेंबली की जल्दी बताइएगा ठीक है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी फातिमा बीबी थी सरोजनी नायडू थी विजय लक्ष्मी पंडित थी या हिलारी क्लिंटन थी सो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष यूएन जनरल असेंबली यू जिसे आप कहते हैं आपको मालूम है तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी सो so, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित जी जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन हुआ करती थी और याद रखिएगा शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली विजय लक्ष्मी पंडित बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर सात आगे क्वेश्चन नंबर सात द फर्स्ट कंट्री टू विन द फीफा वर्ल्ड कप आहा क्या बात है ये देखो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बेटा आपके बहुत आते हैं एफ कैट टाइनेट में ये देखिएगा पहला देश जिसने फीफा वर्ल्ड कप जीता था पोर्चुगल है यूरुगे है स्पेन है या ब्राजील है जल्दी बताइएगा कि पहला देश जिसने फीफा वर्ल्ड कप जीता था कौन सा था तो फीफा वर्ल्ड कप को सबसे पहली बार 1930 में जीता गया था 1930 में और 1930 में फीफा वर्ल्ड कप को जीतने वाला जो दुनिया का सबसे पहला देश था वो था बेटा बी जो कि एक लैटिन अमेरिकन या तो आप कह सकते हैं साउथ अमेरिकन कंट्री यूरुग्वे सो यूरुग्वे पहला देश था जिसने बेटा आपका फीफा वर्ल्ड कप जीता था 1930 में याद रखेगा बहुत बढ़िया फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस जल्दी बताओ सो so, दुनिया का सबसे पहला देश जिसने कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेजा था यूएस है रशिया है जर्मनी है या इंडिया है भाई आपको मालूम है कि स्पेस की रेस में सबसे आगे कौन था सो so, पहला देश जिसने की आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था कौन सा देश था भाई आपको मालूम है कि सबसे पहला देश जिसने स्पेस सैटेलाइट को आसमान में भेजा था 1957 में उस सैटेलाइट का नाम था याद रखिएगा इस्पुटनिक वन स्पुटनिक इस वन नाम की पहली सैटेलाइट थी जिसे रशिया बोले तो यूएसएसआर ने भेजा था 1957 में जुलाई 1957 में सबसे पहले स्पेस सैटेलाइट भेजने का श्रेय जो है रशिया को जाता है क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर इज बी दैट इज रशिया बहुत बढ़िया सो so, रशिया ने भेजा था बहुत अच्छे वेरी गुड आंसर बाई एवरी वन क्वेश्चन नंबर नौ वेयर इज द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन लोकेटेड आई टी यू इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है आई टी यू कहते हैं ठीक है हाँ जी सो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन कहाँ पर है जल्दी बताइएगा तो जीनीवा है वॉशिंगटन डीसी है बीजिंग है या पेरिस है सो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कहां पर स्थित है सो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन याद रखिएगा ये यूनाइटेड नेशंस का इंपॉर्टेंट संस्थान है और यह आपका जीनीवा स्विट्जरलैंड सो स्विट्जरलैंड के जीनीवा में स्थित है याद रखिएगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन याद रखिएगा जिनीवा स्विट्जरलैंड में क्वेश्चन नंबर नौ का राइट आंसर ए है क्वेश्चन नंबर दस साहित्य अकादमी अवार्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जल्दी बताइएगा तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो थे वो कब दिए गए जल्दी बताइएगा साहित्य अकादमी अवार्ड तो साहित्य अकादमी अवार्ड सबसे पहली बार कब दिए गए उन्नीस सौ चौवन पचपन चौसठ बासठ जल्दी बताइएगा साहित्य अकादमी अवार्ड बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा मेरे यू मेरे टेलीग्राम चैनल जी एस बाई कांसारी में तो साहित्य अकादमी अवार्ड सबसे पहली बार कब शुरू किए गए थे उन्नीस सौ चौवन पचपन चौसठ बासठ जल्दी बताइएगा तो साहित्य अकादमी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं और याद रखिएगा साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत हमारे देश में नाइनटीन फिफ्टी फोर में हुई थी ये जो है लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड होता है हमारे देश में साहित्य अकादमी अवार्ड और ये 1954 में शुरू हुआ था विच स्टेट विल होस्ट द इलेवेंथ हॉकी इंडिया सीनियर मेन्स चैंपियनशिप दो जल्दी बताइएगा <coughs> तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है सो so कौन सा स्टेट है जो होस्ट करेगा इलेवेंथ हॉकी इंडिया सीनियर मेंस चैंपियनशिप 2021? उत्तर प्रदेश है महाराष्ट्र है मध्य प्रदेश है हरियाणा है जल्दी बताइएगा सो कौन सा राज्य होस्ट करेगा इलेवेंथ हॉकी सीनियर इंडिया सीनियर मेंस चैंपियनशिप जल्दी बताइएगा सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट right आंसर है बेटा बी दैट इज महाराष्ट्र में होगा याद रखिएगा <coughs> गलत जवाब नहीं फटाफट शाबाश बहुत बढ़िया लाइक और शेयर बटन तो दबते रहने चाहिए भाई साहब बच्चे हमारे जो है ना लाइक like और शेयर बटन दबाने में बड़े कमजोर हैं बताओ साठ लोग हैं और सिर्फ थर्टी एट लाइक हैं भाई क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल लाइक दबाइए वरना डिसलाइक भी दबाइए डिस हैज बिकम द फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री कंट्री इन यूरोप बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो बेटा कौन सा देश यूरोप में पहला कोरोना वायरस फ्री कंट्री बना है जर्मनी फ्रांस आइसलैंड या स्लोवेनिया जल्दी बताइएगा देखो बेटा इस बार कोरोना वायरस से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं याद रखिएगा कौन सा देश है जो कि फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री कंट्री बना है यूरोप में तो यूरोप में पहला कोरोना वायरस फ्री कंट्री जर्मनी फ्रांस आइसलैंड या स्लोवेनिया आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर बहुत बढ़िया राइट आंसर बेटा डी है स्लोवेनिया याद रखिएगा दुनिया का पहला देश बना अरे यूरोप का पहला देश बना है जो कि कोरोना वायरस फ्री हो गया याद रखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर तेरा वुड कार्विंग विच स्टेट है जॉग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स आपने सुना होगा जी आई टैक्स के बारे में जी आई टैक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स सो आपने सुना होगा अरुण वुड कार्विंग ऑफ विच स्टेट सो आपने सुना होगा अरुण बावुर वुड कार्विंग के बारे में है। ये कौन से राज्य का है जिसे अभी रिसेंटली जो है ज्योग्रफिकल जो इंडिकेशन टैक्स मिला है आंध्र है यूपी है तमिलनाडु है महाराष्ट्र है सो आंध्र प्रदेश यूपी तमिलनाडु महाराष्ट्र किसको मिला है याद रखिएगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है सो अरुण बावुर वुड कार्विंग जो है इसको जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है याद रखिएगा तमिलनाडु राइट आंसर क्वेश्चन नंबर तेरह का सी हो जाएगा तमिलनाडु इज द <coughs> राइट आंसर बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर चौदह क्वेश्चन नंबर चौदह को देखिए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so जल्दी बताइएगा कि भारत की रैंक क्या है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में सो वर्ल्ड एनर्जी बिजली के बारे में क्वेश्चन है सो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है चौवन चौसठ चौहत्तर चौरासी फिफ्टी फोर सिक्सटी फोर सेवेंटी फोर एट्टी फोर रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स तो देख लीजिए कि भारत की रैंक जो है वो सेवेंटी फोर्थ स्पॉट पर है चौहत्तरवें स्पॉट पर है भारत की रैंक एनर्जी ट्रांस आ, ट्रांजिशन इंडेक्स में याद रखिएगा। विच बैंक हैज प्रोवाइडेड वन बिलियन एमरजेंसी असिस्टेंस लोन टू इंडिया अभी रिसेंटली किसी बैंक ने जो है भारत को एक बिलियन डॉलर का एमरजेंसी असिस्टेंस लोन्स दिया है आपके कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक है या एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ए आई आई बी जल्दी बताइएगा सो वन बिलियन डॉलर का लोन अभी भारत को कहां से मिला है जल्दी बताइएगा सो so भारत को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक बिलियन डॉलर का लोन अभी कहां से मिला है याद रखिएगा सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर पंद्रह का बेटा बी है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपने सुना होगा जो ब्रिक्स कंट्री हैं ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका इन सब ने मिल करके एक ग्रुप बनाया है याद रखिए एक बैंक बनाया है जिसे एनडीबी कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है शंघाई में याद रखिएगा सो ब्रिक्स नेशन ने बनाया है ये बैंक और शंघाई में है याद रखिएगा इसने एक बिलियन डॉलर का लोन दिया है भारत को हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी बिटाइय क्वेश्चन आ सकता है सो so आपने देखा होगा कि ये वुहान वो, वो शहर है जहां से कोरोना आउटब्रेक शुरू हुआ था दुनिया में तो इसी को क्वारंटाइंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है सो so इस किताब को किसने लिखा है वुहान डायरीज हुआ यू मो यान टोंग या फैंग फैंग <coughs> जल्दी बताइएगा क्वारंटाइंड सिटी द वुहान डायरी ये बहुत ही फेमस किताब है ये किसने लिखी है जल्दी बताइएगा बहुत बढ़िया हर्ष दीक्षित का जवाब बिल्कुल सही है राइट आंसर इज डी दैट इज फैंग फैंग सो फैंग फैंग ने बेटा चाइनीज ऑथर हैं जिन्होंने किताब लिखी है द वुहान डायरी द क्वारंटाइंड सिटी याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है विच कंट्री गेव द नेम अम्फान फॉर द साइक्लोन अम्फान आपने सुना होगा जब साइक्लोन आता है तो जितने देशों को वो कवर करता है तो देश एक एक करके नाम देते हैं जैसे पिछली बार इसने दिया तो इस बार ये देगा फिर ये देगा फिर ये फिर ये फिर ये, फिर ये तो नाम साइक्लोन्स को दिया जाता है तो अम्फान साइक्लोन अभी आपने सुना होगा जिसने बंगाल उड़ीसा में काफी ज्यादा भारत में तबाही मचाई थी और अम्फान नाम जो है साइक्लोन को किसने दिया था याद रखिएगा राइट आंसर इज सी दैट इज थाईलैंड थाईलैंड so, ने नाम दिया है अम्फान याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सत्रह का राइट आंसर थी है जैसे हम कहते हैं थाईलैंड सो so, थाईलैंड इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर अट्ठारह विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च राजीव गांधी किसान न्याय योजना सो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है किस राज्य ने निकाला है किसानों को न्याय दिया जाएगा आप जानते हैं हमारे देश में योजनाएं जो हैं काम के लिए नहीं सिर्फ एग्जामों में पूछने के लिए पूछी जाती हैं सो so, हमारे देश की योजनाएं जो हैं वो किसी काम की तो हैं नहीं लेकिन हाँ ये है कि एग्जामों में इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है सो so, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसने शुरू किया है एम है केरल है राजस्थान है छत्तीसगढ़ है सो so, याद रखिएगा राइट आंसर इज डी दैट इज छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ so, ने शुरू किया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर उन्नीस द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी सेल इज कॉल्ड बेटा साइंस की ब्रांच जो कि सेल को स्टडी करती है उसे क्या कहते हैं साइटोलॉजी एंटोमोलॉजी होमोप्लास्टिक या हॉर्मोनोलॉजी सो so, आपने देखा होगा दो स्टडी साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर से बायोलॉजी में एक हिस्टोलॉजी होती है और एक साइटोलॉजी होती है तो स्टडी ऑफ टिश्यूज जो होते हैं वो हिस्टोलॉजी होती है और स्टडी ऑफ सेल जो होता है बेटा उसे साइटोलॉजी कहते हैं तो सेल की स्टडी जो है वो कहलाती है साइटोलॉजी याद रखिएगा साइटोलॉजी जो है वो सेल की स्टडी है याद रखिएगा बीसवा क्वेश्चन काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा बहुत ही फेमस ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है और काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में किस लिए फेमस है याद रखिएगा बहुत ही फेमस वन हॉर्ड राइनोसरस टाइगर्स स्वैम्प डियर्स जिसे आप बारा सिंघा कहते हैं या एलिफेंट्स जल्दी बताइएगा <coughs> सो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है बेसिकली बच्चों वो आपका वन हॉर्ड राइनासरस जिसे आप जो हैं एक सिंग वाला गेंडा कहते हैं यह बहुत ही फेमस है और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखिएगा वर्ल्ड हॉन्ड राइनो के लिए बहुत ही फेमस है क्वेश्चन नंबर 21 इन विच ईयर इंडिया टुक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम भारत ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में कब हिस्सा लिया था 1916, 18, 20, 24 जल्दी बताइएगा सो इंडिया एज अ टीम इंडिया एज अ टीम जल्दी बताइएगा कौन से ओलंपिक गेम में सबसे पहले हिस्सा लिया था 1916, 18, 20, 24 अगर भारत की बात करते हैं तो भारत ने एज अ टीम ओलंपिक गेम में सबसे पहले हिस्सा लिया था 1920 के एंट्रूप ओलंपिक्स में एंट्रूप एंट्रूप ओलंपिक्स खेले गए थे बेल्जियम में याद रखिएगा 1920 में हालांकि भारत ने पहला गोल्ड मेडल जो है 1928 में एमस्टरडेम ओलंपिक्स में जीता था हॉकी में याद रखिएगा जब रूप सिंह जैसे खिलाड़ी खेला करते थे सो नाइनटीन ट्वेंटी में भारत ने पहली बार एम्स्टरडेम में जो है गोल्ड मेडल जीता था लेकिन एंट्रूप ओलंपिक्स 1920 सौ बीस में आ, हमारे जो इंडियन टीम है उसने सबसे पहली बार हिस्सा लिया था याद रखिएगा ठीक है विच गेम यूजेज द टर्म स्कोरिंग अ कैनन जल्दी बताइए कौन से गेम में टर्म यूज होता है स्कोरिंग अ कैनन हॉकी क्रिकेट बिलियर्ड्स फुटबॉल सो स्कोरिंग टर्म होता है जिसका नाम होता है कैनन वो कौन से गेम में इस्तेमाल होता है हॉकी क्रिकेट बिलियर्ड्स या फुटबॉल जल्दी बताइएगा सो so कौन से खेल में जो है बेटा आपका टर्म यूज होता है जिसका नाम होता है कैनन जल्दी बताएं फास्ट सो कैनन टर्म किस में इस्तेमाल होता है बिल्कुल सही है राइट आंसर इज सी दैट इज बिलियर्ड्स बिलियर्ड्स में जो है कैनन टर्म इस्तेमाल होता है एशिज इज अ टर्म यूज इन विच स्पोर्ट्स अरे भाई साहब ये तो मालूम होगा आपको एशिस कहते हैं ना बेटा की कि किसी की राख निकाल दी गई थी कहते हैं कि बहुत ही फेमस एशिट फुटबॉल टेबल टेनिस या हॉकी एशिस एशिस टर्म किस खेल से जुड़ा हुआ है आपने सुना होगा भैया बहुत पहले की बात है नाइनटीन सेंचुरी में जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड गई थी और इंग्लैंड में जाकर उन्होंने उनको हराया था So, अगले दिन के न्यूज़पेपर में निकला था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम की एशेज निकाल दी कहते हैं राख निकाल दिया गया याद रखिएगा राइट आंसर इज ए क्रिकेट चौबीस सीके नायडू कप कौन से गेम से जुड़ा है चेस क्रिकेट वॉलीबॉल आइस हॉकी ये तो आपको मालूम है सीके नायडू दुनिया जानती है सीके नायडू सी के कप या सी के ट्रॉफी जो है किस खेल से जुड़ी है चेस क्रिकेट वॉलीबॉल वाल, आइस हॉकी जल्दी बताइएगा सी के भैया हम सबको मालूम है सी के किससे जुड़ा है सी नायडू साहब बहुत ही फेमस हमारे क्रिकेट खिलाड़ी थे तो जाहिर सी बात है सी नायडू कप जो है वो क्रिकेट से जुड़ेगा याद रखिएगा एडिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री एडिस अबाबा किसकी राजधानी है सोमालिया इथियोपिया, ब्राजील या युगांडा एडिस अबाबा के बारे में आपने सुना होगा बेटा सोमालिया इथोपिया ब्राजील सोमालिया की राजधानी तो मोगादेशु है मुझे मालूम है मोगादेशु है यह तो नहीं हो सकता ब्राजील की राजधानी ब्राजीला है युगांडा की राजधानी कंपाला है इथोपिया एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी जो है बेटा एडिस अबाबा है बहुत बढ़िया मैग्नस कार्लसन द डिस्टिंग चेस प्लेयर बिलोंग्स टू विच कंट्री मैग्नस कार्लसन के बारे में सुना होगा बहुत ही फेमस चेस खिलाड़ी हैं किस खेल से जुड़े हुए हैं अरे किस देश से हैं स्वीडन नॉर्वे फिलिपींस या यूएसए मैग्नस कार्लसन जल्दी बताइएगा सो मैग्नस कार्लसन कौन से देश से हैं स्वीडन नॉर्वे फिलिपींस या आपका यूएसए ठीक है याद रखिएगा बहुत सही है राइट आंसर इज बी दैट इज नॉर्वे से जुड़े हुए बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं गोसिमा वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ गेम ये गोसिमा का नाम आपने सुना होगा ये ओरिजिनल नेम है किस खेल का गोसिमा वॉलीबॉल वाल, टेबल टेनिस क्रिकेट या आइस हॉकी गोसिमा ये ओरिजिनल नेम ऑफ किस खेल का है ये बहुत अच्छा है चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं इसे पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है चलो बताओ अब गौसिमा ओरिजिनल नेम किस खेल का होता है जल्दी बताइए गौसिमा इसे पिंग पोंग भी कहा जाता है अब तो बता दो गौसिमा याद रखिएगा इट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ टेबल टेनिस सो टेबल टेनिस का ओरिजिनल नेम है आपका गौसिमा क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट planet ऑफ द सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है मरकरी वीनस यूरेनस जुपिटर मुझे मालूम है कि लोग इसका जवाब क्या देंगे जल्दी बताइए हॉटेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है अगर हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है तो सबसे गर्म प्लान है बेटा वीनस क्योंकि नाइंटी पर परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% परसेंट है बेटा हमारे अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सिर्फ 0.03% परसेंट है तब हमारा अर्थ इतना गर्म है वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा <coughs> आपकी 95 परसेंट है याद रखिएगा 29 जाक्सा इज एन एरोस्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री जाक्सा जो है वो एरोस्पेस एजेंसी है किस देश की चाइना जापान हांगकांग साउथ कोरिया जल्दी बताइए जाक्सा के बारे में सुना होगा जाक्सा <coughs> जो है एक एरोस्पेस एजेंसी है किस देश की चाइना जापान हांगकांग साउथ कोरिया सो चाइना जापान हांगकांग साउथ कोरिया किस देश की जो है ये जो है बेटा आपकी एरोस्पेस <coughs> एजेंसी है सो जाक्सा इज एन एजेंसी ऑफ अ जापनीज़ एरोस्पेस एजेंसी नोन एज द नेम ऑफ जक्सा और लास्ट क्वेश्चन है रीगा <coughs> इज द कैपिटल रीगा किसकी राजधानी है साउथ अफ्रीका की मलेशिया म्यांमार लैटविया जल्दी बताइए सो so, रीगा बिल्कुल बेटा एग्जाम टाइमली होंगे अनमोल कुमार टेंशन ना लीजिएगा रीगा राजधानी किसकी है जल्दी बताइएगा साउथ अफ्रीका मलेशिया म्यांमार या लाटविया सो अगर रीगा की बात करते हैं रीगा इज द अगर एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो पुराने बैच भी देख सकते हैं बिल्कुल मंजू गुप्ता पुराने बैचेस भी देख सकती हैं कोई परेशानी नहीं है रीगा इज द कैपिटल ऑफ लैठविया रीका जो है बेटा वो लाटविया की राजधानी है क्वेश्चन नंबर तीस हो गया डन आज का मॉक टेस्ट नंबर वन ओवर उम्मीद करता हूं कि आप सबने इंजॉय किया होगा अब हम लोग मिलेंगे अब हम लोग मिलेंगे बेटा वेडनेसडे को अब हम लोग बुधवार को मिलेंगे वेडनेसडे को मॉक टेस्ट नंबर टू के साथ सो वेडनेसडे को बेटा आपको <coughs> टेस्ट नंबर टू होगा हम्म ओके okay. बहुत बढ़िया सो मॉक टेस्ट नंबर टू वेडनेसडे होगा थैंक यू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तो भाई आप देख सकते हैं अपकमिंग कोर्सेस फॉर सी डी एस टू एंड सी ए पी एफ जिसमें मेरा, जून, जो, मेरा बैच जो है आठ जून से शुरू हो रहा है इंग्लिश में दस जून से साइंस ग्यारह जून मैथ्स दस जून रीजनिंग पंद्रह जून से <coughs> और अगर भैया आप लोग एफ कैट की तैयारी कर रहे हैं आईनेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिक्सटी डेज का मास्टर कोर्स है बेटा ये श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच है श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच है आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं अगर आप इस बैच में आते हैं हंड्रेड परसेंट सेलेक्शन है आपका स्टार्ट तारीख जो है पंद्रह जून से है और एंड अट्ठारह अगस्त को है और आपका जो एग्जाम <coughs> होने की चांस है वो अगस्त के लास्ट वीक में हर एक चीज यहाँ कराई जाएगी आपको याद रखिएगा जीके मैं पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स रणधीर सर रीजनिंग मोहित सर इंग्लिश अमित सर साइंस विक्रांत एस पुणीर सर याद रखिएगा So, बहुत शानदार है इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी स्ट्रक्चर्ड सेशन प्लान मिलेगा अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी डेडिकेटेड डाउट सेशन मिलेंगे पीडीएफ मिलेंगे टॉपिक क्विज़ हर एक चीज इस बैच में आपको मिलेगी ठीक है <coughs> नहीं नहीं वो अपना चलता रहेगा शुभम सिंह उसमें कोई समस्या नहीं है शुभम सिंह वो चलता रहेगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम मेरा कोड याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा यूट्यूब कमेंट्स करके बताइए क्लास कैसे लगी ठीक है नहीं मोनू शर्मा डिले होने की बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है हैव नाइस डे जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम थैंक यू